हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि किस तरीके से आप एनएचटी ग्लोबल में अपना ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ऑर्डर प्लेसमेंट करने के लिए सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, अगर आप मोबाइल फ़ोन पर लॉगिन कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। सबसे पहले आपको इस स्टेप पे क्लिक करना है, वो है ऑर्डर नाउ पे। जैसे ही आप ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे पहला शिपिंग एड्रेस सेलेक्ट करना होता है। आपको ये जो पहला एड्रेस दिखता है, ये आपका बाई डिफ़ॉल्ट एड्रेस होता है, जहाँ जो आपने आईडी क्रिएशन के टाइम पर दिया होता है। अगर आपको वो एड्रेस चेंज करना है तो आपको एड्रेस ऑटोफिल वाले कॉलम पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको तीन अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, या तो शिपिंग टू बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस, जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, या अगर आपको कोई अलग एड्रेस डालना है तो आप अदर एड्रेस भी डाल सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पर भी ये एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये एड्रेस फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आपको ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन आती है कि यहाँ पे आपको अलग अलग पैकेजेस के ऑप्शन आते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऑप्शन आते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये यहाँ पे मैं कुछ आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जैसे प्लैटिनम के ऑप्शंस हैं, गोल्ड आईडीज़ के ऑप्शंस हैं। और कई बार ऐसा होगा कि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसमें कौन सा पैकेज सेलेक्ट करें, कौन सा नहीं करें। तो पहला चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पैकेजेस में हमेशा बेस्ट प्राइस ऑफर होता है, हमें बढ़िया डिस्काउंट ऑफर होता है। तो मैं हमेशा लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि पैकेज से जाना एक ज़्यादा बेहतर डिसीजन होगा एनएचटी ग्लोबल में। ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल नहीं ले सकते, इंडिविजुअल भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा फ़ायदा इसमें होगा अगर आप पैकेज लेते हैं। आपको ज़्यादा बीवीज भी कुछ मिलते हैं आपको फ्री। सो अभी आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने पैकेज आपको नहीं सेलेक्ट करना है, आपने कुछ इंडिविजुअल प्रोडक्ट आपको लेने हैं, तो आप ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसमें से कोई भी पैकेज सेलेक्ट किया तो उस टाइम पे वो आपके ऑर्डर में काउंट हो जाता है। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि किस पैकेज में क्या प्रोडक्ट आने वाला है, तो उसके लिए आप हर पैकेज के बगल में एक आई आइकन रहता है, वो आई आइकन पे आप क्लिक कीजिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन पैकेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन दिख रहे हैं कि आई एन गोल्ड ए में मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ये मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये पैकेज पसंद है तो मैंने इस पर ऐड टू कार्ट किया, क्वांटिटी वन सेलेक्ट की मैंने। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं आपके ऊपर टॉप पे आपको कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिख रही हैं कि इसका अमाउंट कितना है। अब ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं 59,900, ये विदाउट जीएसटी है, विदाउट शिपिंग है। अभी इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका पेमेंट रिव्यू होने से पहले आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है कि आपका एड्रेस कौन सा है, शिपिंग एड्रेस कौन सा है, और आपने पैकेज कौन सा सेलेक्ट किया है। ये दोनों चीज़ें वेरीफाई करने के बाद अगर आपको ये सारी दोनों चीज़ें सही मिलती हैं तो आप यहाँ पे अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आपने डायरेक्टली जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या पेयू मनी एक प्लेटफॉर्म है, तीनों में से कोई से भी प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं बैंक में जाकर डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो आप ये सेलेक्ट पेमेंट मेथड पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको बैंक वायर का ऑप्शन मिलेगा। अब बैंक वायर के ऑप्शन पे मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपने अगर वीज़ा और मास्टर कार्ड से पेमेंट करना है तो आपको इमीडिएटली आपका पेमेंट हो जाता है और आपकी आईडी इमीडिएटली आपको बीवीज भी दिख जाते हैं और सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने कार्ड पेमेंट नहीं करना है, अगर आपने बैंक वायर सेलेक्ट किया है तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा। बैंक वायर सेलेक्ट करते ही आपको कंपनी के बैंक डिटेल्स दिखती हैं, जहाँ पे आपको कंपनी के बैंक का नाम दिख रहा है और अमाउंट दिख रहा है। तो ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं 71,332, ये एक्चुअल में वो अमाउंट है जो आपको पे करना होता है। आप ये जस्ट एक सैम्पल मैंने एक ऑर्डर बनाया हुआ है, तो ये जो अमाउंट है आपको पे करना होता है इस अकाउंट में। तो आप बैंक वायर ट्रांसफ़र करते हैं, NEFT करते हैं, IMPS करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपको उसका प्रूफ आपको एक लेना होता है और आपको support.in@nhtglobal.com पे आपको मेल करना होता है। सो अगर आपने जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने इस पे ही आपको बैंक वायर ने आपने क्लिक किया तो बैंक वायर पे आपको क्लिक करते ही आपको क्या होता है कि बैंक वायर पे जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपने ये जो ईमेल आईडी आपको दिख रही है जो सबसे नीचे लिखी हुई है, तो इस ईमेल आईडी पे आपको पेमेंट का प्रूफ सेंड करना है। तो अब जैसे ही अगर मैं आपको यहाँ पे एक सैम्पल दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आपको करेंगे, तो ये बैंक वायर सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है कि मुझे एक ऑर्डर सक्सेसफुल का मैसेज आता है, मुझे एक ऑर्डर आईडी मिलती है, और जहाँ पे मुझे वो अमाउंट था ये मेरे को एक ईमेल भी आएगा इसके ऊपर जो मेरा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर। और आपको ये जो ऑर्डर आईडी नंबर है आपको नोट डाउन करना है। ये ऑर्डर आईडी नंबर जब आप नोट डाउन करके रखते हैं और आप कंपनी को जब आप मेल भेजते हैं तो आपको यही ऑर्डर आईडी नंबर आपको रेफरेंस में देना होता है। और ये जब आप उनको पेमेंट का प्रूफ भेजते हैं और ये ऑर्डर आईडी नंबर भेजते हैं तो विद इन 24 to 48 hours जनरली वर्किंग डेज में आपका ऑर्डर जो है वो प्रोसेस हो जाता है और आपको आपके बैक ऑफिस में बीवीज भी दिखने लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये एनएचटी ग्लोबल में ऑर्डर प्लेस करने का एक शॉर्ट वीडियो था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन या क्वेरीज डाल सकते हैं।